नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिस वीडियो में तेज प्रताप यादव अपने कार्यकर्ता को धक्का दे रहे थे। यह वीडियो तब का है जब आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती नामांकन के बाद जन आशीर्वाद सभा को संबोधित कर रही थी। उस दौरान पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा और अपने कार्यकर्ता को धक्का देने लगे, जिसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इस कड़ी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। लाल प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव को लोग जंगलराज से जानता ही है, ये जो गुंडागर्दी है ये तो बरसों से चला आया है। गुंडागर्दी के नाम से ही लालू यादव जाने जाते हैं। आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले 30 वर्ष से लालू नीतीश का राज है बिहार में, और सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया है। 30 बरस से न गरीबी कम हुई, न बिहार के लोगों ने खुद को पलायन करने से रोक पाया, शिक्षा की व्यवस्था सुधरी नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो आप किस विश्वास की बात कर रहे हैं। भीड़ पैसे के नाम पर, जात के नाम पर कटार कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। तेजस्वी को इस बार यह समझ लेना चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार जनता उनसे नहीं बरगलने वाली है। बिहार के जिन लोगों ने लालू यादव और उनके बच्चों की सरकार को देखा है वो मानते हैं कि ये लोग जात पात हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये चार बिंदु आरजेडी के कैरेक्टर में है और इनसे ऊपर उठकर ये लोग नहीं आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और साफ तौर पर कह दिया कि ये जो चार बिंदु है, इस चार बिंदु से उठकर कभी भी लालू यादव या फिर लालू यादव का परिवार राजनीति नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आपको वो सुने। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है वो जानते हैं कि ये लोग जात पात हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है, इन चार चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमलावर नजर आए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि लालू प्रसाद यादव का गुंडा राज और जंगल राज आज भी लोगों को याद है। ये चार ऐसे बिंदु है जिससे ऊपर उठकर कभी भी लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार राजनीति नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती का कल नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन के दौरान जनसभा का आयोजन किया गया था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहां पर तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा और अपने कार्यकर्ता को धक्का देने लगे। हालांकि तेज प्रताप यादव ने सफाई पेश की है, बावजूद इसके राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस कड़ी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी जोरदार हमला बोला है लालू प्रसाद यादव पर, और क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।